We are studying inferential statistics, and we are studying probability. Today, I am going to review the concepts that we did in the previous lecture, and we will do one or two more questions about probability, and then we will move forward. Probability, basically, why we studying inferential statistics? We have that in inferential statistics, there are two goals or two objectives. Number one. प्रडिकटिंग पापुलेशन पारामीटर्स एस्टिमेटिंग पापुलेशन पारामीटर्स और नंबर टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमें अलाउ करता है कि वट काइंडल वी आर गोइंग टू ड्रॉ फ्राम द पॉपुलेशन क्यों क्योंकि हम पॉपुलेशन को पूरी को स्टडी नहीं करते बल्कि एक साम्पल ड्रॉ करके करते हैं तो प्रॉबिलिटी अलाउ अस वट काइंडल वी गो गेट फ्राम द पॉपुलेशन हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि फॉर एनी स्पेसिफिक आउटकम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है इट इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट और इट्स अ स्पेसिफिक आउटकम प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन और अ प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स प्रॉबलिटी इज़ यूज वट काइंडल्स आर लाइकली टू बी ऑप्टेनड फ्राम अ पॉपुलेशन और वो कैसे हम ऑब्टेन करते हैं फॉर प्रॉबीबिलिटी वी यूज़ रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग में हमने बात की थी कि रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन ये है कि प्रॉबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट टू बी सेलेक्टेड इन अ सैम्पल इज़ नोन जहाँ पर हमें पता है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है टोटल आउटकम क्या है और उसमें से हर इंडिविजुअल के सिलेक्ट होने के चांसेज इक्वल और नोन होते हैं बेसिक uh, लॉज हमने प्रोबेबिलिटी के किए थे लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम प्रॉबिलिटी लाइकलीहुड ऑफ अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट इसका जो है रेशो uh, जो है वो इट वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो एंड वन जिसमें जीरो का मतलब है कि द इवेंट विल डेफिनेटली नॉट अक्का वन का मतलब है कि इवेंट विल डेफिनेटली अक्का और um, इसमें टू इवेंट्स दैट कैनोट अक्र एट द सेम टाइम आर कॉल्ड डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और हमने बात की थी इसमें लॉस की जिसमें हमने किया था एडिशन लॉ एंड मल्टीप्लिकेशन लॉ वन वी हैव टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड वी वांट इवेंट ए और इवेंट बी तो हम सिम्पली एडिशन लॉ लगाते हैं जिसमें हम सेपरेट प्रॉबिलिटीज को जमा कर लेते हैं अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हों और स्टिल हमारी कंडीशन है कि वी वॉन्ट इवेंट ए और इवेंट बी गिवन के इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो फिर हम इनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज को जमा करते हैं और उसमें से जो इनकी जॉइंट uh, प्रोबेबिलिटी uh, होती है uh, वो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन लॉ किया था कि अगर हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वी वांट इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों इवेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट और उनमें हम अगर इवेंट ए एंड इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट uh, करनी है तो फिर हम सेपरेट प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट ले लेते हैं यानी हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटीज को um, इसमें हमने uh, पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स भी किए हैं यू कैन रिविजिट देम यू कैन ऑल्सो लुक एट द बुक उसके अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आई uh, वुड rather सजेस्ट एंड इनक्रेज कि आप स्टार्स की कोई भी किताब खोल के प्रॉबिलिटी के कुछ क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हम इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स में प्रॉबीबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट प्रॉबिलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली एक सीमेट्रिकल कर्व है एक बेल शेप्ड कर्व है और उसके अंदर हमारा जो यूनिट ऑफ मेयरमेंट है जिसको उसके अंदर मैया करने का दैट इज़ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्कोर जी स्कोर के साथ हम मूव करते हैं नॉर्मल कर्व के अंदर एरिया जो है उसको हम वन कहते हैं और किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जितना एरिया है उतनी ही प्रोबेबिलिटी है उस इवेंट के उस एरिया के अंदर आकर करने की हमने कल के लेक्चर में बात भी की थी और हमने उसको क्वेश्चन uh, के साथ भी uh, किया था तो जेड स्कोर हम किसी भी रॉ स्कोर को सबसे पहले जी में कन्वर्ट करते हैं जिसका फार्मूला इधर दिया हुआ है एक्स माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिये वंस इट इज़ इन स्टैंडर्ड स्कोर वी कैन टेक दिस स्टैंडर्ड स्कोर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वी कैन लोकेट द पोजिशन और लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जी स्कोर उसको हम मार्क करते हैं और फिर जो भी एरिया हमें रिक्वायर्ड है लोअर और फ्रॉम मीन टू जी स्कोर और टेल एरिया या मेन बॉडी एरिया हम उसको हाईलाइट करके टेबल में जाके उसका एरिया देखते हैं एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी वी यूज़ द यूनिट नॉर्मल टेबल आज मैं आपको उस बुक में से वो टेबल दिखाऊंगी भी और उसके डिफरेंट कॉलम्स में हम देखेंगे भी किस तरह से हम uh, किसी भी जी की वैल्यू को फाइंड uh, आउट करते हैं और फिर उसको टेबल में जा कर देखते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट हम कैसे करते हैं सो so हम उसमें में आज आई विल शो यू इन दिन कपल ऑफ मिनट्स कि वो टेबल क्या है और डेफिनेटली uh, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर आपकी किताब के अंदर है Relationship between z-score, location and proportions in a normal distribution, we will explain Mazid table Let's do an example and uh, do the things in a concrete way so you can understand it. So here is a, a question. A scores on a mathematics section of SAT reasoning test form a normal distribution with a mean of 500 and a standard deviation of 100. If the State College Only accept students who score in the top 60% on this test. What is the minimum score needed for admissions? ab iske andar dekhen ki aapne try to find out कि what is the information given. So आपका एक mathematics का SAT का exam, reasoning का है और उसके ऊपर आपका जो population mean है वो 500 है और आपका standard deviation 100 है या sigma जिसे कहते हैं। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है कि अगर कोई कॉलेज सिर्फ सिक्सटी परसेंट और अबव को एक्सेप्ट करता है तो फिर मिनिमम स्कोर हमारा एस पे क्या होना चाहिए फॉर एनी स्टूडेंट टू बी एक्सेप्टेड एट दैट कॉलेज सबसे पहले हमेशा हम नॉर्मल कव ड्रा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या चीज़ें पूछ रहे हैं हमारे पास वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन एस स्कोर का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द मीन ऑफ 500 ये ट्रांसफॉम्ड स्कोर्स हैं जैसे हमने उस दिन बात की थी फाइव हंड्रेड और स्टैंडर्ड डिविएशन वन हंड्रेड है सो वो कहता है कि सिक्सटी परसेंट अब ये टॉप फिफ्टी परसेंट है तो यहाँ से भी अगर हम टेन परसेंट ले लेंगे तो ये हमारा सिक्सटी परसेंट बन जाएगा सो दिस एरिया विल बी सिक्सटी परसेंट सो ये टॉप सिक्सटी परसेंट स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करता है हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है सो so, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल कर्व पे जाने के लिए वी डेफिनेटली शुड नो कि व्हाट इज़ द z स्कोर तो so, z स्कोर फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एरिया से z भी फाइंड कर सकते हैं और z से एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं अब इसमें आपको एरिया गिवन है अब ये जो एरिया ये पॉइंट फाइव है और ये एरिया पॉइंट वन है है ना तो अब हम नॉर्मल टेबल में जाके एरिया देखेंगे और उसका करिस्पॉन्डिंग जो है जी स्कोर देखेंगे कि वो क्या बनता है लेट्स लेट मी शो यू कि वट इज़ बुक एंड हाउ वी लुक एट द टेबल दिस इज़ द बुक फ्राम द ग्रवेटर और ये उसका टाइटल है जो मैं आपको बताती हूँ कि हम टेक्स्ट के तौर पे यूज़ करते हैं दिस इज़ द टाइटल ऑफ द बुक और इसके अंदर हम लोग uh, इसके अपेंडिस में जाएंगे तो अपेंडिक्स बी इसका है एंड पे दिया हुआ जिसके अंदर आपको टेबल्स दिए हुए हैं दिस इज़ द टेबल और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए कॉलम के अंदर ये जी की वैल्यूज़ हैं और हमारे पास तीन तरह से इन्होंने ऑप्शन दी हैं एरियाज़ को लोकेट करने की कॉलम ए के अंदर इन्होंने आपको प्रोपोर्शन इन बॉडी दिया हुआ है यानी आप अगर आपने ये देखें ये पॉइंट है जी का अगर आपने ये बॉटम वाला पूरी बॉडी का एरिया फाइंड आउट करना है तो आप कॉलम बी में से एरिया uh, की वैल्यू देखेंगे अगर आपने किसी जी से टेल साइड का एरिया देखना है तो फिर आप देखेंगे कॉलम सी यानी प्रोपोर्शन इन टेल ये वाला और अगर आपने किसी भी यानी पर्टिकुलर मीन से जी तक का एरिया देखना है तो फिर आप कॉलम सी डी देखेंगे जो कि ये वाला है अब हमने अपने उधर मार्क किया हुआ है पॉइंट वन जीरो ज़ीरो एरिया विच इज़ फ्रॉम मीन टू हियर आप उधर जी में अगर आप पॉजिटिव साइड पर चले जाएँ या आप नेगेटिव साइड पर चले जाएँ दोनों सूरतों में ये सिमेट्रिकल कर्व है और वैल्यूज़ इक्वल हैं और एरिया भी इक्वल है सो नाउ वी हैव टू लुक एट द वैल्यू पॉइंट वन ज़ीरो ज़ीरो इन दिस डी कॉलम आई ये चार सफ़े का टेबल है जैसे जी की वैल्यूज़ फोर तक आपको दी हुई है हैं इस टेबल के अंदर तो आप अपने टेबल में इस कॉलम में पॉइंट वन ज़ीरो जीरो फाइंड आउट करेंगे और मैंने कल भी बताया था कि हमें पॉइंट वन जीरो ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा बल्कि ये दिया हुआ है पॉइंट जीरो नाइन एट सेवन और ये दिया हुआ है पॉइंट वन जीरो टू सिक्स राइट सो विच वन इज़ क्लोज़र टू वन पॉइंट वन जीरो ज़ीरो ये ऊपर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा क्लोज़र है सो so मैं इसके इनवर्स जाके Z की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी विच इज़ पॉइंट टू फाइव मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले इसमें हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते शायद नहीं कर सकते सो द जी वैल्यू फॉर द गिवन एरिया इज़ पॉइंट टू फाइव अब मैं वापस जाके अपनी आ, इसके अंदर वैल्यू प्लग इन करूँगी सो मैंने अपना वैल्यू जाके देखी है जी के टेबल में विच इज़ पॉइंट टू फाइव अब मैंने आपको बताया था कि जी के अगर दरमियान में ज़ीरो है तो हमारे राइट right साइड पे वन टू थ्री प्लस वैल्यूज़ हैं और नेगेटिव साइड पे माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री वैल्यूज हैं राइट सो हमने यहाँ पे जाके देखना था कि जेड की वैल्यू क्या बनती है और वो जेड की वैल्यू बनती है हमारी कौन सी माइनस पॉइंट टू फाइव नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ माइनस पॉइंट टू फाइव आपको याद है कि जेड कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला x माइनस मीन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एवियेसन है मेरे पास Z की वैल्यू गिवन है विच इज़ माइनस पॉइंट टू फाइव और मैंने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो लोएस्ट स्कोर क्या है जो कि टॉप सिक्सटी परसेंट में आएगा और वो कॉलेज उसको एक्सेप्ट करेगा मीन मेरे पास गिवन है विच इज़ फाइव हंड्रेड और डिविएशन मेरे पास गिवन है विच इज़ वन हंड्रेड आई विल प्लग इन द वैल्यूज़ और यहाँ पे अगर मैं X को इस साइड पे लाऊंगी तो ये मेरा हो जाएगा फाइव हंड्रेड माइनस हंड्रेड मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके माइनस पॉइंट टू फाइव से राइट right? और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव विच इज़ इक्वल टू फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सो इफ द स्टेट कॉलेज ओनली एक्सेप्ट स्टूडेंट्स हु स्कोर इन द टॉप सिक्सटी परसेंट ऑन दिस टेस्ट What is the minimum score needed for admission? And that minimum score is 475 because college is going to accept people who are in this area, the top 60% area. Right? And I have to find out what is lying here. I found the area, I found the corresponding z score, and then I found the x, which is 475 so it's a simple right but this is really really cool why right? because you can get any information like using probability using z scores using normal distribution you can find out probability of any event occurring within no time and this is the coolest thing about statistics and here i have shown you how z scores and how normal distribution and how probabilities are interlinked in

अब आप, आप मुझे यकीन है कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको क्योंकि हमने बड़ी क्लियरली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है अगेन स्टेप इज सेम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ ड्रॉ वॉट यू नीड यू नीड टू नो कि ये टॉप टेन परसेंट हैं और सॉरी um, इसको टॉप टेन परसेंट मैं कह दूँ टॉप टेन परसेंट और आपको यहाँ पे एरिया गिवन है दिस इज़ यू नो कि दिस एरिया इज़ टॉप टेन परसेंट एंड दिस इज़ द एरिया और अगर ये टेन परसेंट है तो ये पॉइंट फोर जीरो ज़ीरो है क्यों क्योंकि आपको पता है कि फिफ्टी परसेंट एरिया इधर है और फिफ्टी परसेंट एरिया हमारा इधर है सो so, आपका मीन ज़ीरो है आपका यहाँ पे आपने सबसे पहले z फाइंड आउट करना है और फिर उस z के कॉरस्पोंडिंग x फाइंड आउट करना है राइट right? सो so, जेड हम फाइंड आउट ईज़ीली कर सकते हैं सिमिलरली हम टेबल में जाएंगे और आप टेबल में जाके कॉलम डी के अंदर फ्रॉम मीन टू जी एरिया फाइंड आउट आपको दिया हुआ है पॉइंट फोर ज़ीरो ज़ीरो आपने उस टेबल में कॉलम डी के अंदर यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉइंट फोर ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरोट्स डू इट एंड लेट्स सी कि आपने कैसे उसको जाके फाइंड uh, आउट करना है here is a table and uh, i have to find out in a d column the value of 0 0.400 now let's start finding it it is 0 0.4015 or upper 0.3997 so this is more close to 0 0.40 rather than 0 0.4015 so inversely iske according iske inverse jaake dekhungi ki corresponding z ki value kya that is 1.28 so now we have found the corresponding value is 1.28 और मैं वो जाके plug in करूँगी और मैं अपने x की value find out करूँगी so I have uh, again same formula which is z is equal to x minus mean divided by standard deviation what information is given z की value अब मुझे given है that is 1.28 और अब ये positive value होगी क्योंकि ये positive tail पे है। अगर ये वैल्यू इधर लाई कर रही होती तो फिर इसका साइन नेगेटिव आता एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है मीन आपको पता है फाइव हंड्रेड है स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है हंड्रेड है और इसी को अगर हम करेंगे एक्स इज़ इक्वल टू वन पॉइंट टू एट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर हम करेंगे फाइव हंड्रेड प्लस वन पॉइंट टू एट मल्टीप्लाईड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज़ हंड्रेड सो हम इसको करेंगे तो फाइव हंड्रेड प्लस वन पॉइंट टू एट कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी एट हो जाएगा क्योंकि आपको मल्टीप्लाई हंड्रेड से करने के लिए दो डिजिट आगे कर दें क्योंकि ये टू जीरोज हैं तो ये डेसिमल टू पॉइंट आगे चला जाएगा वन ट्वेंटी एट आ जाएगा एंड द स्कोर विल बी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट सो नाओ z की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया 1.28 और सिक्स हंड्रेड एंड मैंने अपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हाउ कूल इट इज सी कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एस स्कोर के ऊपर एडमिशन करने हैं और वो सिर्फ टॉप 60 परसेंट लोगों को एक्सेप्ट करेगी जो उस टेस्ट पे आए हैं एंड वी फिगर आउट कि वो लोएस्ट स्कोर क्या होगा बाय गिवन दिस इन्फॉर्मेशन एंड वी आल्सो फाउंड कि अगर वो टॉप 10 परसेंट को स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो फिर टॉप टेन परसेंट में आने के लिए मिनिमम स्कोर मेरा कितना होना चाहिए तो इसका मतलब है आपका अगर मिनिमम स्कोर सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी एट है एस ए टी के रीजनिंग टेस्ट के ऊपर तो यू आर गुड फॉर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप इज एंड इट कूल अच्छा एक और एग्जाम्पल इधर दी है कि वॉट इज द प्रोबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ स्कोर ग्रेटर देन फोर्टी फाइव फ्रॉम अ पॉजिटिवली स्क्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन विद द म्यू ऑफ फोर्टी एंड द सिगमा ऑफ टेन अब याद रखें कि आपने वर्ड इसमें देखना है कि लिखा है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दिस इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है वो बेल शेप्ड होता है सिमेट्रिकल होता है पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब है कि पॉजिटिव साइड से बिल्कुल पिचका हुआ है और वो बड़ी कम फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि पॉजिटिव टेल पे हैं और सिमिलरली नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब है कि ज़्यादातर तो लोग बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं और नेगेटिव साइड से ये इस तरह स्क्यूड होता है सो so, और ये पॉजिटिवली स्व्यूड है सो so, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है तो फिर हम ना तो जी स्कोरस निकालेंगे और ना ही हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे और ना ही हम इस फार्मूला को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लियरली स्टेटेड इट इज़ अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन तो नाउ यू विल अंडरस्टैंड के एक कॉन्सेप्ट समझना कितना जरूरी है कि बींग रिसर्चर, इफ़ यू आर कलेक्टिंग डेटा फ्राम अस पॉपुलेशन आपने सौ डेढ़ सौ लोगों से स्क्रीन टाइम के बारे में पूछ लिया है और आप उससे ग्रेशन को रिलेशनशिप uh, देख रहे हो कि किस तरह से या प्रडिक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो कि जो आपने सैम्पल ड्रॉ किया है वो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है अगर वो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है या जो पेरेंट पॉपुलेशन जहाँ से आपने सैंपल निकाला है वो नॉर्मल नहीं है तो फिर आप इस तरह प्रोबेबिलिटी के रूल्स और ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते फिर आपको डिफरेंट टेक्निक्स देता है स्टेटिस्टिक्स जैसा हमने आगे जाके पढ़ेंगे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक स्टिस्टिक्स पढ़ेंगे सो so, जो कि पैरामेट्रिक टेस्ट में एक मेजर जम्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है वो फुलफ़िल होनी चाहिए सो दिस इज़ हियर वी हैव रिवाइज अगेन प्रॉबिलिटी एंड जी स्कोर And normal distribution and three are very much interlinked in answering questions about uh, like real world situations.